जय हिंद दोस्तों। राजस्थान के झुंझुनू जिले के डोंडिया गांव के किसान दंपति ताराचंद भंगड़ावा और संतरा देवी की चार संतानें थी, दो बेटी और दो बेटियां। दो बेटे फौज में थे, छोटा पिंटू कुमार 29 साल का, बड़ा जय सिंह 32 साल का। फौज में यूनिट भी एक ही थी, 106 पैरा एयरबोन। दोनों की शादी 2013 में किठाना गाँव में एक साथ एक ही परिवार में धूमधाम से की गई थी। दोनों की पत्नियां सोनू कुमारी व वर्षी सगा बहनी थी, यानी दो परिवार ने देश पर अपने बेटे और दामाद को खो दिया है। किठाना उपराष्ट्रपति जगदीर धनखंड का गांव है। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 11 महीने में दोनों बेटे के देश के शहीद हो गए हैं। सेना सेवा कोर में तैनात चचेरे भाई अमित कुमार ने बताया कि जैसियां की देह शुक्रवार को गांव आई। सामाजिक कार्यकर्ता बबलू मुंडवा अनिल गिल ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8 बजे पुलिस थाने से शहीद के घर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सेना में जाने से पहले जैसियां गोंडा में तुलसी राम की मेडिकल दुकान पर काम करते थे। तुलसी राम बोले कि 17 अक्टूबर को फोन आया, तब जैसियां ने कहा था कि वह सब राजी खुशी है, दिवाली पर आने की कोशिश करूंगा। आगरा में सैन्य अभ्यास के दौरान जंप के समय पिंटू कुमार की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, सिर में चोट आई। काफी दिनों आर्मी अस्पताल दिल्ली में भर्ती रहे। 30 नवंबर 2021 को उन्होंने अंतिम सांस ली। 30 नवंबर को गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण होना था। जैसियां 16 दिसंबर 2011 को 106 पैरा टीए एयरबोन में भर्ती हुए थे। 6 साल तक जम्मू में रहे। जम्मू में जिस यूनिट में रहे उसमें क्रिकेटर MS धोनी के साथ ट्रेनिंग भी ली थी। जैसियां बेंगलोर में पैरा यूनिट में सिपाही पद पर तैनात थे। 19 अक्टूबर को सुबह नियमित अभ्यास के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी जयसिंह बंगड़ावा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 5 साल की बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। यह नजारा देखकर हर कोई भावुक हो उठा। जैसे ही सही जवान का शव उनके पैतृक गांव आया तो चीख पुकारों से पूरा गांव गूंज उठा। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानी जयसिंह बंगड़ावा जी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।